पे लिखी कहानी का। आज की कहानी है आस का पंछी। मन का पंछी अक्सर उन्मुक्त गगन में विचरण करता है और जहाँ अच्छा सा घोंसला मिले, अर्थात जहाँ मन मिले, वहाँ अपना प्यारा सा घरौंदा बना लेता है और उस घर में नन्हे नन्हे फूल यानी नन्हे पक्षी जन्म लेते हैं और फिर अपने नए घर की तलाश में उड़ जाते हैं। पानी पर लिखी कहानी में आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो हर पल पूर्णिमा, जी पूर्णिमा, हमारी कहानी की नायिका पूर्णिमा क्या सोचती है, क्या चाहती है और जीवन से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसे समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। रहे हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कहानी आस का पंछी साथ प्रीति मोहन का। आइए सुनते हैं कहानी आस का पंछी। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार। एक दूसरे से हैं शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के हैं पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार।
वाकई में सफर कितना प्यारा है। बात हम कर रहे हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा का चेहरा चमक रहा है, मन में अनेक बातें थी। कौन सी? खुशी की, और खुशी भी थी पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पहली बार किसी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा घर ही व्यस्त हो गया हो। नन्हे मेहमान के चाचा चाची अपनी तैयारी में जुटे थे और दादा दादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूर्णिमा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, इतने छोटे से नन्हे से फूल को गोद में लेकर जब सुलाएगी तो कौन सी लोरी गुनगुनाएगी। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए तू, तुझको मैं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो जाओ रो इचा पारी, जाओ रो जाओ रो जाओ रो इचा पारी, जाओ तभी पूर्णिमा के कानों को अमर की आवाज सुनाई दी। पूर्णिमा, पूर्णिमा चलो, एम्बुलेंस वाला आने वाला है, एम्बुलेंस वाले को हमने फोन कर दिया है। तभी उधर से आवाज आई, एम्बुलेंस क्यों? पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ गई क्या? अमर ने कहा, अरे नहीं नहीं, पर कार से जाते समय कोई इमरजेंसी हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी से लेकर चलो और हम सब भी साथ चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक्साइटमेंट है सभी को और सभी को इंतजार है नन्हे मेहमान के आने का। आखिर वो खुशी के पल भी आ गए जब सिस्टर ने लेबर रूम से बाहर आकर कहा, बेटी हुई है, नन्ही परी हुई है। बस फिर तो खुशी का ठिकाना ना रहा।
खुशी का खुमार क्या कहना। शाम बजती रहे गले में बहकती रहे प्यार भरी बाह कहां क्या कहना। खिल खिल चेहरों से घर है मेरा गुले गुले वाकई में खुशी से सब झूम रहे हैं। दादा दादी चाचा चाची और अमर अमर तो बस दौड़ पड़े। अब होड़ लगी थी पहले गोद में कौन उठाएगा इस नन्ही परी को। अमर और पूर्णिमा एक दूसरे को प्यार से देखने लगे, मानो मानो एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे हो इतने खूबसूरत उपहार के लिए। नन्ही कली का नामकरण हुआ और सभी ने मिलकर उसका नाम रखा पूजा। पूजा हमारे घर की लक्ष्मी और हमारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी, ऐसा हमने सोचा और वाकई में ऐसा ही हुआ भी। जब पूजा 3 महीने की हो गई तो अमर और पूर्णिमा उसे लेकर मुंबई लौट गए। हालांकि मन नहीं था परिवार का कि हम जाएं, परंतु क्या करते, अमर की जॉब मुंबई में थी। और हाँ, ये तो आपको मैं बताना ही भूल गई कि अमर मुंबई में जॉब करते थे और जाना तो था ही, लेकिन डिलीवरी के लिए अपने घर इंदौर गए थे हम। समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा, पता ही नहीं चला। खेलते खाते अटखेलियां करते अपने नन्हे हाथों से प्यार लुटाते, कब पूजा किंडरगार्टन स्कूल से प्लस टू फिर कॉलेज में चली गई। बस यूं ही समय कटता गया और पूजा के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उसे खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग ले जाना, कभी दोस्तों के घर पार्टी के लिए पहुंच जाना, इतना व्यस्त रखती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं पूर्णिमा नहीं सिर्फ पूजा की माँ हूँ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। Thank you.
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। ऐसा लगता है ये समय वाकई में यूं ही प्यार से कट जाएगा। और अपने बारे में तो पूजा के आने के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं। पूजा के नन्हे हाथों ने इतना प्यार दिया कि दिन रात सिर्फ पूजा 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 बस, और कुछ भी नहीं। मार्केट भी पूजा के साथ, पार्टी भी पूजा के साथ, पार्लर भी पूजा के ही साथ जाना था, और कभी मूवी का प्लान किया तो वो भी पूजा के बिना कैसे हो सकता था। बस कब मैं पूजा से अलग होती थी मुझे याद आता है, जब वो स्कूल कॉलेज या अपने कोचिंग जाती थी तब मैं नहीं साथ जा सकती थी। हाँ बस तब क्या करूं, तब मैं सोचती थी चलो उसका रूम ठीक करती हूँ, उसके कपड़ों की अलमारी ठीक करती हूँ, उसे थोड़ा व्यवस्थित कर देती हूँ। उसके लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए मैं इतना तैयार रहती थी कि आज कुछ अच्छा बनाती हूँ जो मेरी पूजा को बहुत अच्छा लगे। अपने लिए तो बस मैं इतना ही करती थी कि नहा धोकर मंदिर में दिया जला दिया, और जहाँ फिर आवाज आई माँ तो बस मैं हाजिर हो जाती थी। शायद पूजा के आने के बाद मैंने किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और अब पता है मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने अमर के हिस्से का समय भी उसी को दे दिया, पर अमर ने हमेशा मेरी भावनाओं की कद्र की और कभी भी कुछ नहीं कहा। और अक्सर अमर ये गीत गुनगुनाते रहते थे, तेरा साथ है तो कुछ
शायद वो सिर्फ मेरा साथ पाकर ही खुशी थे, समय तो कभी उन्होंने मांगा ही नहीं। मेरे मन को तब धक्का लगा, या यूं कहे तब मेरा थोड़ा सा दिल टूटा, जब पूजा ने हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने की जिद की। मैं तो उस रात ये सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे जीऊंगी उसके बिना, क्या करूंगी। पूजा के बिना जिंदगी की मानो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, हमने भी किया। दिल पर पत्थर रखकर हमने पूजा को विदेश भेजा। अब यूं कहूं तो कुल 2 वर्षों का कोर्स था, पर मुझे लगा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ज्यादा नहीं है। 365 दिन एक वर्ष के और 365 दिन दूसरे वर्ष के, यानी कुल हो गए 730 दिन। अब घंटे मिनट ये तो मैं जोड़ ही नहीं पा रही थी। पहले तो उसके जाने की तैयारी में जुट गई, सब बनाया जो कुछ भी उसे पसंद था। और सच वो दिन भी आ गया जिस दिन पूजा की फ्लाइट थी। एयरपोर्ट तक मैं पूजा के साथ गई, अमर ने अंदर आने का पास बनवा दिया, तो बस सिक्योरिटी चेक तक मैं पहुंच गई। उसके आगे जा ही नहीं सकती थी मैं। पूजा से लिपटकर बस यूं लगा कि आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं। रोने लगी, अपनी व्यथा किससे कहूं, क्या कहूं, क्या मेरे बिना सात समुंदर पार मेरी प्यारी बिटिया रह पाएगी। वास्तव में मैं रह पाऊंगी क्या, यही सोच रही थी। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा कर मैंने पूजा से कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। तब पूजा ने कहा, माँ तुम भी अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती रहूंगी। हाँ यही थे उसके वो शब्द जो जाते समय मुझे सुनाई दे रहे थे दूर से, माँ मैं वीडियो कॉल करती रहूंगी, चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। विदेश जाकर पूजा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। वो कॉल जरूर करती थी, पर मैंने 24 घंटे पूजा 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 और कुछ सोचा ही नहीं। अमर तो मानो चिंतित से हो गए। उन्हें लगा कहीं मैं सोचते सोचते और पूजा के कॉल का इंतजार करते करते बीमार ना हो जाऊं। उन्होंने हमारे घर में कुछ बच्चियों को पेइंग गेस्ट रख लिया। लगा पूर्णिमा इन बच्चियों के साथ मिलेगी, उनसे बातें करेगी तो शायद थोड़ा खुश रहेगी। पूर्णिमा ने सोचा कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं अमर मुझे और मैं। मैंने माँ बनने के बाद अपनी बाकी सभी भूमिकाएं मानो छोड़ ही दी। जब भी पूजा और अमर एक साथ आवाज देते तो मैं पहले कहाँ जाती थी, जरा सोचिए। पूजा के पास। आज मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अमर के हिस्से का समय पूजा को क्यों दे दिया। ये मैंने
नाइंसाफी तो नहीं की कहीं। कितना प्यारा सा घरौंदा था मेरा, जिसमें मेरी नन्ही चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती, अपनी प्यारी बोली में कुहु कुहु करती रहती, मानो पूरा घर वीरान सा हो गया। मेरा बहुत लंबे हो जाते, मानो खत्म ही नहीं होते, और दिन जब पूजा के देश लौटने का हो गया, यानी 2 वर्ष पूरे हो गए, उस दिन जो पूजा ने कहा, शायद वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था, मेरी जिंदगी का एक अलग सा पक्ष था वो। क्या था? पूजा ने कहा, मैं सेटल होना चाहती हूँ माँ यहाँ पर, मोहित भी यहीं रहते हैं, जॉब करते हैं, और मोहित मुझे बहुत पसंद है, मैं भी उसी ऑफिस में ज्वाइन करने वाली हूँ, यानी मैंने वहाँ रहने का मन बना लिया है, और अब शायद देश लौटना मुश्किल है। कभी तुम घूमने जरूर आना माँ, जब भी तुम्हें समय मिले, मम्मी पापा आप दोनों आइएगा, ये कहा पूजा ने। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके ऐसा ही मैंने हमेशा से सोचा था। पूर्णिमा मन ही मन ऐसा सोचने लगी कि क्या ये सही था। फिर अमर को लगा
शायद ये जिंदगी मेरे लिए सही नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। फिर उन्होंने प्लान किया, उन्होंने कहा चलो अपने गांव चलते हैं और वहाँ कुछ और करेंगे। अमर और मैं वहाँ चल पड़े साथ साथ, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था कि जो अमर कह रहे हैं वही सही है। हम दोनों वहाँ पहुँचे, फिर हमने ये सोचा कि वहाँ पर जो अनाथ बच्चियाँ हैं उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक से दो, दो से तीन, और धीरे धीरे बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आने लगी, क्योंकि मेरे अंदर जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो ममता थी, वो मैं उन बच्चियों पर लुटाने लगी। और धीरे धीरे मैंने अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर लिया, और फिर आसपास के गांव की बच्चियां भी मेरे पास पढ़ने आने लगी। पता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे किस दिन मिली? जिस दिन यूपीएससी के एग्जाम में जो टॉपर बच्ची थी उसे मैंने पढ़ाया था, और जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा अच्छा, मेरे में इतना कुछ था और शायद मैंने ये सब कुछ खो दिया था और अपनी जिंदगी का रुख ही बदल दिया था। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मुझे याद आता है वो इंटरव्यू जो पत्रकारों ने लिया था उस बच्ची का। उस बच्ची का नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने इंटरव्यू देते समय क्या कहा था पता है? मैं पूर्णिमा मैम की गाइडेंस में थी और जहाँ मैं आज पहुँची हूँ ये पूर्णिमा मैम की वजह से है, और मैंने जो यूपीएससी क्रैक किया ये उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था। थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू पूर्णिमा मैम, वो जहाँ भी है अगर मुझे सुन पा रही है तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये शब्द लक्ष्मी के मेरे दिल को छू गए। मन के पंछी का तो पता नहीं, पर उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी आस पूरी हो गई और मेरे अंदर जो कला छिपी थी उसे सबने पहचान लिया, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पति अमर को भी।
पे लिखी कहानी में अभी आप सुन रहे थे प्रीति की कहानी आस का पंछी। कहानी आपको कैसी लगी? हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल वही है जो आपको याद है। चलिए एक बार फिर बता देते हैं, 9868868753। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। परिकल्पना, प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। इजाजत दें, नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Bye.